आ रही है जेडीएम में बड़े घोटाले की आहट। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक होटल कारोबारी को करोड़ों रुपयों का फायदा देने का ये बड़ा खेल। सत्यम विलास एंड मोटल से जुड़े प्रकरण में डीएलसी के आंकलन में बड़ा घालमेल दिखा है। 7,000 मीटर जमीन के बदले 30,000 मीटर जमीन देने का ये बड़ा खेल। जलमहल के पास ही उक्त फार्म को साल 2010 में जमीन आवंटित हुई थी। 14 साल बाद अब उक्त प्रकरण की पत्रावली सरपट दौड़ने लगी है। उक्त जमीन के बदले मेट्रो एनक्लेव के पास बेशकीमती जमीन आवंटन करने की तैयारी हो रही है। आवंटित की जाने वाली जमीन का भाव बताया जा रहा 3,00,000 रुपए मीटर से ज्यादा, लेकिन डीएलसी की दर 2,130 रुपए प्रति मीटर का आकलन कर जमीन आवंटन करने का ये कैसा खेल है। यूडीएच मंत्री व तत्कालीन जेडीसी में उक्त प्रकरण को लेकर आपस में ठनी थी। जमीन की समतुल्यता का आधार बताते हुए आवंटन की पत्रावली पर उठाए थे सवाल, तो आवंटन से जुड़ी पत्रावली लंबित हो गई थी। बड़ी खबर यह इस वक्त की, अब वक्त व्यवसायिक जमीन के प्रकरण की फाइल अचानक से दौड़ने लगी है। राम सिंह राजावत हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। राम सिंह, जेडीए में ये बड़े घोटाले की आहट दिखाई दे रही है, किस प्रकार से जमीन आवंटन की तैयारी हो रही है, किस प्रकार का ये खेल खेला जा रहा है, बता दे दर्शकों को। देखिए, ये सत्यम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का से जुड़ा मैटर है। वर्ष 2010 में नीलामी में ये जमीन 16,000 मीटर जमीन ली थी इन्होंने, लेकिन 6,900 मीटर जमीन का कब्जा नहीं हो पाया था। इसके बदले आप ही देखिए, जो जमीन जहाँ पर है जलमहल होटल के जलमहल के पास में है, उसके बदले यहाँ जमीन दी जा रही है महंगी और बेशकीमती, और 7,000 मीटर के बदले ज्यादा जमीन दी जा रही है। अब आधार जेडी का जरिए बता रहे हैं कि चूंकि ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश है, हालांकि ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यह आदेश दिया जमीन देने का, लेकिन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इतनी ज्यादा जमीन देना, ये करना, ये डीएलसी रेट का जो घालमेल करके ज्यादा फायदा पहुंचाने का जो खेल है, वो न्यायालय के इस आदेश की आड़ में जेडी के अधिकारी कर रहे हैं। उक्त सत्यम होटल के मालिकों को करोड़ों रुपए का फायदा देने के लिए डीएलसी की दर में जो गणना कर रहे हैं, ये 2,130 रुपए मीटर का आकलन करके बड़ी जमीन देने की तैयारी की जा रही है। ये जो जमीन आवंटन की बात हो रही है, इसकी तैयारी हो रही है, उसकी मौजूदा कीमत क्या आकी गई है? राम सिंह, देखिए इस जमीन की लागत करोड़ों में, आप ये देखिए, ये वर्ष 2010 से जुड़ा मामला है। पहले भी तत्कालीन कांग्रेस शासन के समय भी ये फाइल डंप हो गई थी, कई विवाद भी रहे और जमीन आवंटित नहीं हो पाई, लेकिन पिछले दिनों यूडीएस मंत्री और तत्कालीन जेडीसी में इस मामले को लेकर ठन गई थी। उन्होंने कहा था कि जमीन की अनुपातिक समतुल्यता के आधार पर दी जाएगी, इतनी ज्यादा जमीन नहीं दी जा सकती, इस बात को लेकर आपस में ठन गई थी और फाइल ड्रॉप हो गई थी। लेकिन जेडीसी के बदलते ही, नए जेडीसी आने के बाद उक्त प्रकरण की फाइल फिर दौड़ने लगी है और ये बड़ा घोटाला करने की तैयारी है। डीएलसी रेट में जो आकलन का जो खेल किया जा रहा है। राम सिंह, ये एक होटल कारोबारी की बात सामने आ रही है, कोई जानकारी मिल पाई है ये होटल कारोबारी कौन, जिसको फायदा पहुंचाने की ये कोशिश की जा रही है, बड़ा खेल खेला जा रहा है? देखिए, ये रसूखात बड़े रसूख वाला बड़ा मुद्दा है, बड़े जो कारोबारी हैं ये रसूख वाले हैं और उनको ये फायदा देने का बड़ा खेल किया जा रहा है। हालांकि अब आप इधर 14 साल पुराना ये मामला है, न्यायालय ने भी कहा कि ठीक है इनको जो जमीन कम है वो जमीन दी जाए, लेकिन न्यायालय के आदेश की आड़ में इसको करोड़ों का फायदा दिया जा रहा है। शुक्रिया आपका राम सिंह इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ये बड़ा खेल खेला जा रहा है जेडीए में, ये बड़े घोटाले की आहट है। आवंटन की पत्रावली पर सवाल पहले उठे थे तो आवंटन से जुड़ी पत्रावली लंबित हो गई थी, लेकिन अब 14 साल के बाद देखिए किस प्रकार से ये फाइल सर पर दौड़ने लगी है।